हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मियों का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट मॉस रोज को हम लगा लेते हैं। तो ये येलो वाला मॉस रोज है फ्रेंड्स, इसके कई कलर आते हैं, मेरे पास भी 4 से 5 कलर है। तो इसे तोड़ के मैंने 2 दिन पहले ही रखा था, गमले को खाली किया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पॉट में इसे लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो 15 दिन पहले मैंने जो लगाया था चिली पहले, उसका अपडेट आपको दे दी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट, पिंक, लाइट पिंक, ये सब देखिए 15 दिन पहले का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं, आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये मॉस, ये पर्सलिन का बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है फ्रेंड्स, तो ये बहुत कम है। तो इसे मैं थोड़ा बहुत इसे निकाल, और बगल से आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो अगल बगल से आवाज़ तो आती रहती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसे मैंने थोड़ा ये 1 दिन पहले अभी लगाया है, लेकिन ये सब जो एक साथ लगाया है, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है फ्रेंड्स। और जैसे ही पर्सलिन बड़ा होगा, मैं इसे ढेर सारा तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से आप भी गर्मियों के लिए इसे तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब हम तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से छोटे छोटे से हम ब्रांच को ले लेंगे, यानी इस तरीके के ब्रांच को हम तोड़ लेते हैं पहले, ऐसे देखिए, और हम ऐसे लगा देंगे। और मिट्टी हमारी पहले की ही है, हमने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया है, किसी भी तरह की मिट्टी में ये हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले इसके ब्रांच को हम तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पास छोटा सा कुछ था प्लास्टिक का, इसे मैंने राउंड में ऐसे कर दिया है, इस पर भी चढ़ा दूँगी। तो छोटी से छोटी कटिंग भी फ्रेंड्स लग जाती है हमारी, देखिए, और देख के लगाना है सीधा, ताकि रहे हमारी कटिंग जो है उल्टा नहीं रहे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से, और छोटी छोटी सी भी, बहुत छोटी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगा लें, ऑफिस टाइम, 9 o'clock, 10 बजिया, बहुत से नामों से इसे जाना जाता है, हर जगह अलग अलग नाम से। और हम लोग तो बचपन से ही इसे 9 बजिया के नाम से ही जानते हैं, और ये खिल जाता था तो आप समझ जाते थे कि 9:10 बजने वाला है। तो ये वही प्लांट है हमारी बचपन की, एक टच मी नॉट, और ये सब प्लांट से हम लोग बहुत ही खेलते भी थे पहले। तो ये सब वही प्लांट है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर लगा लें, ये हमारे गार्डन को फूलों से भर देगा। और मॉस रोज, इसका नाम इसलिए है कि रोज की तरह दिखता है, छोटे छोटे से मिनी रोज की तरह, तो इसलिए इसका नाम मॉस रोज भी है। और इतनी छोटी सी भी कटिंग फ्रेंड्स लग जाएगी, ये देखिए। तो इतने प्लांट से आप फ्रेंड्स पता नहीं हज़ारों लाखों कितना भी आप बना सकते हैं। और देखिए इतना सारा है फ्रेंड्स, तो हम जितनी जगह खाली है सब में पहले लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये सर्कुलेंट ही है, तो पानी इसमें बहुत कम डालिए और फुल सनलाइट में इसे रखिए, ये धूप का प्लांट है फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा ही येलो कलर है, इसमें कोई मिक्स नहीं है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका आगे का अपडेट फ्रेंड्स। तो चलिए पहले थोड़ा सा और लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉट हमारा पूरा भर गया है, और ये पूरा भर जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। और इतनी छोटी छोटी सी कटिंग भी फ्रेंड्स लग जाती है, तो इतनी छोटी भी कटिंग को आप फेंकने की बिल्कुल गलती नहीं करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसे नर्सरी में ख़रीदने जाते हैं तो बस 2 ही 3 ब्रांच रहता है, और 25 से 30 रुपये में ये हमें देते हैं फ्रेंड्स। तो इसे भी हम फेंकेंगे एकदम नहीं, देखिए इस तरीके से इसे हम मिट्टी में ऐसे रख देंगे, और ये लग जाता है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा अच्छे से दबाना है इसको, और छोटी छोटी भी इसकी कटिंग जो है लग जाती है इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे हम इसे दबा देंगे बस।
और कहीं भी छोटी छोटी आप लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे इतनी छोटी छोटी सी, ये देखिए कितनी छोटी है ये, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास सेफ हो जाएगा, और नहीं तो अगर इसे हम फेंक देते हैं तो फिर हमारे गार्डन से ये चला जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप इस प्लांट को लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत होता है ये प्लांट और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा दबाना है हल्के हाथों से, और एक यहाँ पे है तो इसे भी लगा देना। देखिए कितनी छोटी छोटी सी ब्रांच है ये, आप देख सकते हैं, और मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ फ्रेंड्स। और ये प्लांट इलाहाबाद से आया था फ्रेंड्स, मेरी ननद के घर से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये और हमें अच्छे से इसको रखना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो छोटी ब्रांच को भी फ्रेंड्स मैंने लगा दिया है, और अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं, ये देखिए। और रात भर में ये फ्रेंड्स एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, और मैं फिर आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। बस आज पानी डाल रही हूँ, और एक हफ्ते तक इसमें पानी नहीं डालना है। और सब सामने जो देखिए 9 o'clock रखा है, अभी मैंने दिखाया ग्रो बैग में, कितने अच्छे से सब लग गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके के पॉट में बड़ा सुंदर लगता है फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट को जब हम लगाते हैं। आप देखिए पूरा पानी को हमने डाल दिया है इस 9 o'clock को, मोस्ट रोज को, 9 बजिया को, 10 बजिया को, ऑफिस टाइम को, कुछ भी कह लीजिए, इसके बहुत अनगिनत नाम हैं। तो गर्मियों का इसे राजा ही फ्लावर हम कहेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही कोई भी केयर, इसका कोई मेंटेन, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, बस पानी देते रहिए इसको। बहुत सीधा साधा प्लांट है, और बस इसे धूप इसका भोजन है, बस इसे धूप अच्छे से दीजिए, और बस ये आपको खिल खिल के दिखाएगा और खुश कर देगा आपको फ्रेंड्स। तो बस आज की ये वीडियो थी 9 o'clock पे, कैसी लगी आपको, और थोड़ी सी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।